टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने हार्दिक पांड्या के बारे में बात करते हुए कहा है कि भाई हार्दिक पांड्या को ज्यादा तवज्जो क्यों दी जा रही है, बार बार हार्दिक पांड्या पर इतनी बातें क्यों हो रही हैं। इरफान पठान ने सवाल पूछा कि बीसीसीआई ने ही हार्दिक पांड्या को सुपरस्टार बना दिया, और जब आप किसी एक खिलाड़ी को सुपरस्टार बना देते हो तो उस खिलाड़ी पर प्रेशर तो बनता ही है, फिर आप उस खिलाड़ी से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हो कि वो खिलाड़ी उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता। इसलिए बार बार हार्दिक पांड्या को तवज्जो देना, बार बार हार्दिक पांड्या की बातें करना, ज़्यादा से ज़्यादा हार्दिक पांड्या को सुर्खियों में रखना, ये ठीक नहीं है। इरफान पठान ने क्या कहा है आपको बता दें। उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या के बारे में कहूं तो भारतीय क्रिकेट को ये स्पष्ट करने की ज़रूरत है कि उन्हें कितनी प्राथमिकता देनी चाहिए जितनी उन्होंने अब तक दी है। क्या आपने उतनी ही प्रायोरिटी हार्दिक पांड्या को दी है जितने के वो हकदार हैं? हमने अभी तक विराट कोहली की मौजूदगी में विश्व कप, हमने अभी तक हार्दिक पांड्या की मौजूदगी में विश्व कप नहीं जीता है। अगर आपको लगता है कि आप एक मुख्य ऑलराउंडर हैं तो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस तरह का प्रदर्शन करना होगा। हार्दिक पांड्या के बारे में ये इरफान पठान ने कहा है, और आगे वो कहते हैं जहां तक एक ऑलराउंडर का सवाल है तो हार्दिक पांड्या ने इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह से प्रभावित नहीं किया है, हम सिर्फ उनकी क्षमता के बारे में सोच रहे हैं। आगे इरफान पठान ने कहा कि आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, पांड्या को टूर्नामेंट में चुनने के बजाय पूरे साल खेलना चाहिए, ये सलाह दी है इरफान पठान ने। इरफान पठान ने कहा है कि हम आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के बीच थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन दोनों में यानी आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। पहले तो हार्दिक पांड्या को पूरे साल खेलना होगा, वे चुनकर टूर्नामेंट में नहीं खेल सकते कि हार्दिक पांड्या अपनी मर्जी से जो टूर्नामेंट चाहें, जो सीरीज चाहें खेलें, जो सीरीज चाहें वो न खेलें, पूरा साल हार्दिक पांड्या को खेलना पड़ेगा, ये इरफान पठान ने नसीहत दी है। आगे इरफान पठान ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट को ऐसा करना बंद करना होगा कि वो एक ही खिलाड़ी को ज़्यादा तवज्जो दें। आप किसी एक खिलाड़ी को तवज्जो देना बंद करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप बड़े टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। ऑस्ट्रेलिया इतने सालों से टीम गेम को प्राथमिकता दे रहा है, हर किसी को सुपरस्टार बना रहा है, उनकी टीम में कोई एक सुपरस्टार नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं इरफान पठान, कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कोई एक सुपरस्टार नहीं है, टीम में हर खिलाड़ी सुपरस्टार है, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आप बड़े टूर्नामेंट नहीं जीत पाओगे। साफ लफ्जों में इरफान पठान ने बोल दिया है कि आप एक खिलाड़ी को सुपरस्टार न बनाइए, आप टीम के सभी खिलाड़ियों को सुपरस्टार बनाइए, हर खिलाड़ी की टीम में ज़रूरत होती है और हर खिलाड़ी टीम के लिए अहमियत रखता है। वहीं शो के दौरान इरफान पठान से एक फैन ने सवाल किया कि क्या विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप में चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए। इस सवाल के जवाब में इरफान पठान कहते हैं कि ये सवाल ही वाजिब नहीं है। विराट कोहली जैसे खिलाड़ी के लिए ये कहना कि उसे टीम में सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं, ये गलत है। जिसने भी ये सवाल उठाया है ये बहुत निराशाजनक है, हर कोई ऐसे सवाल नहीं कर सकता है। विराट कोहली को वर्ल्ड कप में जगह मिलनी चाहिए, हर हाल में जगह मिलनी चाहिए, और ये सवाल करना कि उन्हें जगह मिलनी चाहिए या नहीं, ये इस सवाल की ही अहमियत नहीं है। वहीं इरफान पठान ने आगे कहा है कि भारत को इस वैश्विक टूर्नामेंट के लिए यानी जो T20 वर्ल्ड कप होना है उसके बारे में उन्होंने कहा, इस T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में दो कलाई के स्पिनर्स को ज़रूर रखना चाहिए। भारतीय टीम की घोषणा 1 मई तक होगी, भारतीय टीम का ऐलान 1 मई को होना है, और उससे पहले टीम चयन को लेकर के इरफान पठान ने कहा है कि दो स्पिनर्स होने चाहिए, खासतौर पर कलाई के स्पिनर। एक तो उन्होंने कहा है कुलदीप यादव को जगह दीजिए और दूसरा रवि बिश्नोई को जगह देनी चाहिए। इरफान पठान ने यह भी कहा है कि 5 स्पेशलिस्ट गेंदबाजों के साथ भारत को T20 वर्ल्ड कप में उतरना चाहिए, और 5 स्पेशलिस्ट गेंदबाज होंगे तो आपकी टीम को एक मजबूती मिलेगी, साथ ही साथ कप्तान के पास मजबूत ऑप्शंस भी होंगे T20 क्रिकेट में। उन्होंने ये कहा है कि चहल को टीम में जगह नहीं देना चाहिए, क्योंकि इरफान पठान ने यूजी चहल के प्रदर्शन पर थोड़ा सा शक जताया है, और उन्होंने चहल की क्षमताओं को उस अनुरूप नहीं पाया है कि वो T20 वर्ल्ड कप में चुने जाएं। इरफान पठान ने जो अपनी 15 सदस्यीय टीम बनाई है उसमें भी यूजी चहल के ऊपर उन्होंने रवि बिश्नोई को वरीयता दी है। चलिए आपको इरफान पठान की 15 सदस्यीय टीम बताते हैं। इरफान पठान ने अपनी टीम में रोहित शर्मा को कप्तान बनाया है, साथ ही साथ यशस्वी जायसवाल हैं, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या,
अगर बॉलिंग करते हैं तो, ये इरफान पठान ने कहा कि अगर वो बॉलिंग में एबिलिटी रखते हैं, बॉलिंग करते हैं, फिट रहते हैं तो हार्दिक पांड्या को टी20 वर्ल्ड कप में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा रिंकू सिंह, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल या संजू सैमसन में से कोई एक, और रवि बिश्नोई या यूजी चहल में से कोई एक, ये इरफान पठान की 15 सदस्यीय टीम है।